मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूनिट मास फॉर्मूला व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास यानी जो एटॉमिक मास है सबके एटॉमिक मास को हम लोग प्लस करेंगे सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको जो एटॉमिक मास को प्लस करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूनिट मास तो फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट पर्टिकुलर एक जो फॉर्मूला यूनिट होती है उसमें जो एटम्स है उसके अंदर उसका जो एटॉमिक मास है उसको सम कर देना है इट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास नाउ वी विल नो हाउ टू कैलकुलेट द मोलार मास हम लोग सीखेंगे कि कैलकुलेट मोलार मास अच्छा मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही है अगर पूछे कि कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास तो मेथड एक ही है मोलार मास मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करने की एक ही मेथड है तो यह हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी है एलिमेंट्स है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है ऑक्सीजन का 16 है कार्बन का 12 है सोडियम Na 23 मैग्नीशियम 24 Al एल्यूमिनियम 27 सल्फर 32 क्लोरीन 35.5 पी फॉस्फरस 31 नाइट्रोजन 14 तो ये जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट होती है यू तो सबके पीछे लगेगा यू 16U, 12U, U तो ये यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट AMU का शॉर्ट फॉर्म है U तो 1U हाइड्रोजन का मास है 1U, 16U, 12U ओके ये आपको लर्न करना है अभी Na2O है तो सोडियम है सोडियम का एटॉमिक मास क्या है तो यहाँ से देख लेना 23 सोडियम के कितने एटम है 2 तो हम लोग करेंगे 2 × 23 राइट क्योंकि डेफिनेशन क्या थी सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल तो 2 × 23 ब्रैकेट प्लस सम मतलब प्लस अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है तो हम लोग लिख देंगे 1 × 16 क्योंकि ऑक्सीजन 1 है और उसका मास 16 तो 23 × 2 = 46 प्लस 16 तो आंसर आएगा ये 12 और ये 62U ओके तो 62U इज अ मोलार मास ऑफ Na2O सोडियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो अभी सबसे पहले कैल्शियम है तो कैल्शियम का मास है Ca का मास है 40 यहाँ मैं लिख देता हूँ कैल्शियम का मास है 40 तो 1 × 40 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 है ये 2 है ये दोनों के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ऑक्सीजन का है 2 × 16 ऑक्सीजन का मास 16 है प्लस 2 × 1 क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ हो जाएगा 40 × 16 = 32 प्लस 2 तो 40 + 32 प्लस 2 तो आंसर विल बी 74U ओके नाउ पोटेशियम कार्बोनेट तो पोटेशियम मतलब के कार्बोनेट यानी CO3 तो यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड से हमें ये फॉर्मूला ढूंढनी है तो पहले मैं क्रिस क्रॉस से पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 कार्बोनेट की होती है 2 तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो K2CO3 तो ये गलत थी तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 तो K2CO3 है पोटेशियम कार्बोन अभी K है पोटेशियम है उसका एटॉमिक मास होता है 39 पोटेशियम का होता है 39 तो 2 × 39 प्लस कार्बन का होता है 12 तो कार्बन का एक ही एटम है यहाँ तो कार्बन 1 × 12 ब्रैकेट प्लस 3 × 16 क्योंकि ऑक्सीजन 16 है और 3 तो 39 × 2 = 78 प्लस 12 प्लus 16 × 3 = 48 तो ये 78 + 12 + 48 करेंगे हम लोग
तो आंसर आएगा ये 138, तो आंसर इज 138 यू। तो पोटेशियम कार्बोनेट का मोलार मास है, मॉलिकुलर मास है 138। यहाँ देख रहे हो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, डेफिनेशन ये सम ऑफ एटॉमिक मास, ये है सोडियम, अरे एमोनियम सल्फेट, तो यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, चार टाइप से एटम है। तो यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ब्रैकेट के ब्रैकेट में है, तो यहाँ टू है, तो नाइट्रोजन के टू एटम्स है, तो 2 × 14 राइट, 2 × 14 नाइट्रोजन का मास है 14, यहाँ हमने पता है नहीं लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन का 14 है, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। फोर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4 × 8 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 × 8 क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 × 8। सल्फर है 32, तो प्लस सल्फर का एटम 1 ही है, मतलब 1 × 32 ओके। ऑक्सीजन है प्लस 4 × 16 होगा, 14 × 28 प्लस 8 × 1 = 8 प्लस 32 × 1 = 32 16 × 4 = 64 तभी हम इसको प्लस करेंगे, 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64 तो हो जाएगा ये 2, ये 2 और ये 30, तो आंसर होगा 132 U। तो एमोनियम सल्फेट का एटॉमिक मास है, मॉलिकुलर मास है 132 ओके।